नमस्कार, आप देख रहे हैं एनई डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज भैया दूज पर मढ़ ब्लॉक से भाजपा की कार्यकर्ता यानी कि एससी मोर्चा की प्रदेश सचिव वंदना कुमारी ने आज भैया दूज पर बॉर्डर पर जाकर बीएसएफ के जवानों को तिलक लगाकर भैया दूज मनाया और उनको जो है वो बधाई भी दी। इस मौके पर भाजपा के और भी कार्यकर्ता मौजूद थे। रिटायर्ड आर्मी पर्सन की बेटी हूँ और आपके जो कहते हैं ना आपके जो सेंटीमेंट्स हैं, आपके जो जज्बात है, इनको सच में हम सलूट करते हैं। तो आपके पास आके बड़ा अच्छा लगा और आपने मेरा हमें टाइम दिया त्योहार मनाने का, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आप आए आज के इस पावन त्योहार पे मैं सभी अपने भाइयों को बहुत ही दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देती हूँ। और जैसे आज हम फिर से अपने बीएसएफ के जवानों के बीच में आके ये त्योहार मना रहे हैं, ये बहन भाई का बड़ा ही पवित्र और प्यारा त्योहार है। और मैं ये समझती हूँ कि जो भाई हमारे इस बॉर्डर पे बैठे हुए हैं तो इनके पास आना ये हमारा ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। और हम इनका बहुत ही दिल की गहराइयों से शुक्रिया करते हैं कि इन्होंने भी हमें यहाँ पे बुलाया और इनके पास आके सच में ही बड़ा ही दिल को सुकून मिलता है, क्योंकि इनकी भी बहनें घरों में बैठी हुई हैं, वो भी इनका इंतजार कर रही हैं। तो आज इनके साथ पास आके बड़ा ही अच्छा लगा। और आज अपनी बहनों, अपनी बीएसएफ की बहनें भी मेरे साथ हैं, तो इनके साथ भी मिलकर मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं दोबारा अपने भाइयों को आज भाई दूज की बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और इनकी लंबी आयु के लिए भगवान से कामना करते हैं, क्योंकि अगर ये बॉर्डर पे बैठे हैं तो हम अपने घरों में बैठ के अपने त्योहार अपने हर दिन बड़ा ही अच्छे से काट रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।